नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक और आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। शपथ ग्रहण के बाद एक्शन मोड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आज होगी कैबिनेट की पहली बैठक, कई बड़े और अहम फैसलों पर होगी चर्चा। नई सरकार का गठन होते ही छलकने लगी विधायकों की नाराजगी, कैबिनेट में जगह न मिलने से नाराज हुए बिशन सिंह चौहान। सीएम धामी के सामने चुनौतियों का अंबार, 6 महीने में जीतना होगा विधायकी का चुनाव, कई वादे करने होंगे पूरे, नेताओं के साथ बनाना होगा संतुलन। श्री झंडे जी आरोहण के बाद देहरादून में हुई नगर परिक्रमा, शहर भर में दिखा आस्था का सैलाब, संगतों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा, नशा मुक्त समाज का दिया संदेश। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद अब पुष्कर सिंह धामी अपने शासकीय कार्यों में जुटे हुए नजर आएंगे। शपथ ग्रहण करने के बाद आज पुष्कर सिंह धामी की पहली कैबिनेट बैठक होने वाली है, जिसमें कई बड़े और अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इस बैठक में सभी नए 8 मंत्री भी शामिल होंगे, जिनके साथ कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में बजट को लेकर चर्चा हो सकती है और राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रस्ताव भी जारी किया जा सकता है। इसके साथ ही कई और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मनीष टंगवाल। मनीष, उत्तराखंड को 12वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी मिल चुके हैं और आज उनकी पहली कैबिनेट बैठक होने वाली है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कल जो है दूसरी बार सीएम पद की शपथ पुष्कर सिंह धामी ने ली है, तो जो दूसरा कार्यकाल उनका है, जो उसकी जो कैबिनेट बैठक है, तो पहली कैबिनेट बैठक आज 4:30 बजे से विधानसभा में होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश की भी नजरें इस कैबिनेट बैठक पर लगी हुई है, क्योंकि तमाम जो वादे भाजपा ने यहाँ पर चुनाव के समय जनता से किए थे, तो उम्मीद की जा रही है कि उन वादों में से कुछ पर आज मोहर लगने की उम्मीद है। वही दूसरी बात है कि जिस तरीके से अब बजट सत्र का यहाँ पर आगाज होना है, बजट सत्र शुरू होना है, तो बताया जा रहा है कि 28 तारीख से जो है वो बजट सत्र शुरू हो सकता है। 28 मार्च से बजट सत्र शुरू करने पर मोहर लगेगी, क्योंकि जो बजट प्रदेश का रखा जाना है, आय जो कर्मचारी की सैलरी है 1 अप्रैल से, उसको जारी करने के लिए बजट सत्र काफी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए माना जा रहा है कि आज की कैबिनेट बैठक में जिस तरीके से बजट सत्र के आयोजन पर भी कहीं ना कहीं मोहर लगेगी और कितने का बजट होगा इसको लेकर भी खाका तैयार किया जाएगा, उस पर भी मोहर लगने की आशंका है। सिविल कोड पर सभी की नजरें लगी हुई है कि जिस तरीके से जो है पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनाव में एक बड़ी घोषणा की थी कि उनकी सरकार आते ही सिविल कोड को यहाँ पर लागू किया जाएगा, तो उस पर भी नजरें हैं कि क्या कुछ जो है वो आज कैबिनेट में फैसले लेते हैं। जी मनीष, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कई फैसले आज कैबिनेट बैठक में लिए जा सकते हैं और कहते भी हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, और ये पहली बैठक है और धामी सरकार अपनी छवि बनाने में कोई चूक नहीं करेगी, इस लिहाज से कई बड़े फैसले जनता हित में भी लिए जा सकते हैं या नहीं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जब पुष्कर सिंह धामी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और उनकी पहली कैबिनेट बैठक में कई जनहित से जुड़े बड़े फैसले लिए गए थे, कर्मचारियों के हित में फैसले लिए गए थे, तो उम्मीद की जा रही है कि इस बार की जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें कहीं ना कहीं सीधे तौर से जो है आम जनता के लिए भी कुछ बड़े फैसले होने की उम्मीद है। हालांकि क्या कुछ वो बड़े फैसले होंगे इस पर अब सभी की नजरें लगी हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि कुछ न कुछ आज जो पहली कैबिनेट बैठक होने जा रही है उसमें कहीं ना कहीं जनता के लिए कुछ न कुछ सौगात यहाँ पर मिल सकती है। जी मनीष, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया, अपनी नजर इस पर बनाए रखेगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में नई सरकार का गठन हो चुका है, 12वें मुख्यमंत्री के रूप में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से प्रदेश की बागडोर अपने हाथों में थाम ली है। मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, लेकिन अब कई विधायकों की नाराजगी सामने आने लगी है। मंत्रिमंडल में जगह न मिलने से डीडीहाट से बीजेपी विधायक बिशन सिंह चौहान नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि उनका बयान सामने नहीं आया, लेकिन असंतोष की भावनाएं साफ नजर आ रही है। पार्टी उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए क्या कुछ कदम उठाती है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा।
वहीं देहरादून में श्री झंडे जी के आरोहण के बाद आज सुबह नगर परिक्रमा निकाली गई। देश विदेश से पहुंची संगतों ने इस नगर परिक्रमा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके साथ ही दूनवासी भी इस परिक्रमा में शामिल हुए। संगतों के लिए दरबार साहिब के अंदर और बाहर लंगर लगाया गया था, जबकि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी चिकित्सकों की टीम तैनात की गई थी। नगर परिक्रमा श्री महंत देवेंद्र दास महाराज जी की अगुवाई में निकाली गई। इस दौरान श्री महंत देवेंद्र दास ने नशा मुक्त समाज और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दिया। 24 मार्च को दुनिया भर में टीबी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का प्राथमिक उद्देश्य टीबी से स्वास्थ्य समाज और अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करना होता है। देहरादून के मैक्स अस्पताल के सुपर स्पेशलिस्ट छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वैभव छाछरा बता रहे हैं कि टीबी के रोग से कैसे बचा जा सकता है। जिस प्रकार से टीबी बढ़ता जा रहा है तो हमें कुछ चीज़ों का अति आवश्यक ध्यान रखना चाहिए। पहला तो ओपन वातावरण या खुले वातावरण में रहें, जहाँ पे धूप आती हो, वेल वेंटिलेटेड कमरा हो, घर हो। पौष्टिक आहार ज़रूर लें। डाइट में न्यूट्रिशन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर प्रोटीन डाइट ज़्यादा रखेंगे तो इन्फेक्टिविटी के चांसेस कम रहेंगे। तीसरा, धूम्रपान ना करें। चौथा, अगर आपके घर में टीबी का मरीज है, खासकर बलगम वाली टीबी जो फैलती है, तो मास्क अवश्य पहन के रखें, तो मास्क से टीबी एक से दूसरे को लगने के चांस कम होंगे। 23 मार्च 2022 की तारीख और बुधवार का दिन उत्तराखंड और भाजपा सरकार के लिए वाकई बेहद खास रहा। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पुष्कर सिंह धामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ 8 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की है। इस मौके पर प्रेमचंद अग्रवाल ने संस्कृत में शपथ ली, तो वहीं रेखा आर्य अपने पारंपरिक वेशभूषा में नजर आई और शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौके पर मौजूद रहे। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आभार व्यक्त करता हूं, उनको नमन करता हूं कि उन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार उत्तराखंड के अंदर 2/3 बहुमत की लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई है। हमने हमारा संकल्प है जो विकल्प रहित है, उत्तराखंड के अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचे, शासन पहुंचे, हमारा विकास पहुंचे। और 2025 जब हमारा राज्य 25 वर्ष का होगा, जब हम इसके सिल्वर जुबली वर्ष मना रहे होंगे, उस समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हमारी सरकार काम करेगी। धामी के शपथ ग्रहण में समूचा प्रदेश भगवा रंग में रंगा नजर आया, तो वहीं सत्ता के दिग्गज धामी के साथ कैबिनेट मंत्रियों को भी आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। इसके साथ ही भाजपा की एकजुटता ने भी मंच से नारे देकर प्रदेश के विकास में दम भरने का काम किया। देखिए खास रिपोर्ट। धामी के नाम से पटा देहरादून शहर, भगवा रंग में रंगा उत्तराखंड। धामी के शपथ ग्रहण में सियासी दिग्गज, धामी नाम के शोर से गूंजा दून शहर। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। जनता के जनादेश के बाद आया सस्पेंस, और सस्पेंस खत्म होने के बाद तैयारी धामी के राजतिलक की। वो राजतिलक जिसकी तैयारी चुनाव के नतीजे आने के साथ होने लगी थी। हालांकि तैयारी किसके लिए की जा रही है ये कोई नहीं जानता था। यहां तक कि भाजपा ने शपथ ग्रहण समारोह का दिन जनता से साझा तक नहीं किया था। समारोह के भव्य आयोजन के लिए भाजपा ने परेड ग्राउंड को चुना। परेड ग्राउंड के चारों तरफ जहां जीरो जोन रहा, तो वहीं पूरा शहर भगवा रंग में रंगा नजर आया। शपथ ग्रहण समारोह में जहां राजनीति की मशहूर हस्तियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह,
पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, तो वहीं संत साधु भी पुष्कर सिंह धामी को अपना आशीर्वाद देने पहुंचे। धामी के शपथ ग्रहण करने के बाद उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने भी शपथ ली। कैबिनेट में 8 मंत्रियों को शामिल किया गया, जिसमें कई चेहरे पुराने दिखाई दिए। रेखा आर्य, सुबोध उनियाल, चंदन रामदास, सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, सौरभ भवगुणा को भी कैबिनेट में जगह मिली। प्रेमचंद अग्रवाल ने संस्कृत में मंत्री पद की शपथ ली। कई पुराने और कई नए चेहरों को प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। यही नहीं, भाजपा ने इस बार महिला दांव भी खेला है। भाजपा ने जहां कैबिनेट में महिला को जगह दी, तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी की बेटी ऋतु खंडूरी को चुना। सभी ने सत्ता में भाजपा के विराजमान होने पर जहां जनता का आभार जताया, तो वहीं एक बार फिर भाजपा ने अपने विजन को जनता के सामने रखा। यही नहीं, भाजपा ने युवा सीएम के चेहरे पर मोहर लगाकर साबित कर दिया कि पहाड़ एक बार फिर से पुष्कर राज पर कायम कर दिया गया है। राज्य का दोबारा सीएम बनने के बाद अब सीएम पुष्कर सिंह धामी को 6 महीने के अंदर उपचुनाव भी जीतना होगा। खैर, 11 दिन के मंथन के बाद अब प्रदेश में एक बार फिर से युवा नेतृत्व को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे में धामी के ऊपर जनता से किए गए वादों को पूरा करने का संकल्प भी है। देखना होगा कि पुष्कर सिंह धामी अगले 5 सालों में जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगे। पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर जहां शपथ ली है, तो वहीं 12वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 8 कैबिनेट मंत्रियों ने भी पुष्कर सिंह धामी के साथ शपथ ली है। तो सवाल इस बात को लेकर भी है कि आखिरकार जो 3 कैबिनेट मंत्रियों की कुर्सियां खाली रखी गई हैं, उसके पीछे क्या वजह है। लेकिन देखना यही होगा कि आखिरकार जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी की सरकार को जनता ने विकास के नाम पर चुना है, क्या कुछ जनता की जो उम्मीदें हैं वो खरी उतरती है पुष्कर सिंह धामी सरकार, इस पर अब सभी की नजरें होंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह में कई मुख्यमंत्रियों ने जहां शिरकत की, तो वहीं मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पुष्कर सिंह धामी को शुभकामनाएं दी है। नागरिकों का हम अभिनंदन करते हैं, उनको हृदय से बधाई देते हैं, एक अच्छी सरकार चुनने के लिए आभार भी व्यक्त करते हैं। हमें विश्वास है श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। उत्तराखंड को 12वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी मिल चुके हैं। शपथ ग्रहण करने के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की कमान एक बार फिर से अपने हाथों में थाम ली है। लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने चुनौतियां सिर ताने खड़ी है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के साथ ही धामी को विधायक बनने से लेकर चुनाव में किए गए वादों को पूरा करना है, तो पार्टी के नेताओं के साथ संतुलन भी बनाना है। देखे खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सिर एक बार फिर से ताज सज चुका है। प्रदेश में एक बार फिर से पुष्कर राज चलेगा। लेकिन असल में देखा जाए तो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी पुष्कर सिंह धामी की राह कुछ आसान नहीं है। कई चुनौतियां सिर ताने उनके सामने खड़ी है, खासतौर पर शुरुआती 6 महीने। भले ही पुष्कर सिंह धामी अपनी खटीमा विधानसभा सीट से चुनाव हारकर राजनीतिक बाजीगर साबित हुए हैं, लेकिन 6 महीने के भीतर उन्हें विधानसभा का सदस्य बनना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने सबसे पहली चुनौती उपचुनाव है। सीएम पद पर बने रहने के लिए उन्हें किसी भी सूरत में उपचुनाव जीतना होगा। वो किस सीट से चुनाव में उतरते हैं, फिलहाल ये स्थिति साफ नहीं हो पाई, लेकिन उनके लिए कई विधायक अपनी सीट छोड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं। वहीं दूसरी चुनौती मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने चुनावी वादों को पूरा करने की है। उत्तराखंड चुनाव के दौरान पार्टी ने तमाम बड़े वादे किए हैं, जिन्हें अमलीजामा पहनाने का जिम्मा अब धामी के कंधों पर है। समान नागरिक संहिता, भू कानून, प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं को 3,000 रूपए हर महीने देने का वादा, गरीबी रेखा से निचले वाले परिवारों को मुफ्त में 3 LPG सिलेंडर देने जैसे कई वादों को पूरा करने का वक्त अब आया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ भी संतुलन बनाना है। 6 महीने के कार्यकाल में कई नेता ऐसे रहे जिनको मनाने में धामी नाकामयाब हुए हैं और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन भी कर लिया।
हालांकि रूठों को मनाने का हुनर धामी के भीतर बखूबी है, लेकिन असल में अब देखना होगा कि इस सत्ता में धामी अपने रूठों को कैसे मनाते हैं और किस रणनीति के साथ सबको साधकर चलते हैं। वही बात अगर प्रदेश में अफसरशाही की करे तो सीएम धामी ने अपने 6 महीने के कार्यकाल में नौकरशाही पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश की है। इसके साथ ही कहा यह भी जाता है कि उत्तराखंड में नौकरशाही कभी सरकार के नियंत्रण में नहीं रही और इस बात के उदाहरण भी हम सबके सामने कई बार सामने आए हैं। ऐसे में अफसरशाही को साधकर चलना भी धामी सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव कई लिहाज से दिलचस्प रहा। कई मिथक टूटे तो साथ ही 2022 में इतिहास भी रचा गया। एक ऐसा ही इतिहास अब विधानसभा में भी रचने की तैयारी हो रही है। दरअसल उत्तराखंड को पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष मिलने वाली है। कोटद्वार से विधायक रितु खंडूरी को उत्तराखंड विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। भाजपा ने महिलाओं पर दांव खेलते हुए जहां कैबिनेट में रेखा आर्य को चुना तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष के लिए रितु खंडूरी को मुफीद माना। कोटद्वार से मैदान में उतरी रितु खंडूरी को जनता ने अपना समर्थन दिया और विधानसभा की दहलीज पर पहुंचा दिया। इसकी वजह यह है कि प्रदेश में रितु खंडूरी की पहचान राजनेता से ज्यादा समाज सेवी के तौर पर है। समाज सेवा में रितु खंडूरी ने साल 2017 में अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था। ये विधानसभा चुनाव उन्होंने यमकेश्वर विधानसभा सीट से लड़ा। विकास के कार्यों को नई रफ्तार दी। विकास कार्यों में रफ्तार के साथ रितु खंडूरी ने अपनी आवाज को विधानसभा में जनता के सरोकार के लिए बखूबी बुलंद किया। 29 जनवरी सन 1965 में जन्मी रितु खंडूरी फौजी परिवार से आती हैं। साल 2007 में भाजपा ने रितु खंडूरी के पिता पूर्व मुख्यमंत्री जनरल भुवन चंद खंडूरी को सत्ता की चाबी सौंपी। यही नहीं, भाजपा ने भुवन चंद खंडूरी को 2 बार मुख्यमंत्री पद पर बिठाया और अब पिता की विरासत को बेटी रितु खंडूरी संभाल रही हैं। रितु की शुरुआती पढ़ाई पिता की पोस्टिंग के साथ अलग अलग जगहों पर हुई। मेरठ के रघुनाथ गर्ल्स कॉलेज से रितु ने ग्रेजुएशन किया है। बाद में राजस्थान विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। दिल्ली से पत्रकारिता में भी डिप्लोमा हासिल किया है। साल 2006 से 2017 तक नोएडा के अमेठी विश्वविद्यालय में फैकल्टी के तौर पर भी कार्य करती आई हैं। प्रदेश के हित में समाज सेवा करने वाली रितु खंडूरी ने साल 2017 में यमकेश्वर विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश की थी, जिसमें जनता ने उन्हें पूर्ण बहुमत देकर विधानसभा भी पहुंचाया। साल 2022 में कोटद्वार से दावेदारी कर मैदान में उतरी रितु खंडूरी अब विधानसभा अध्यक्ष के पद को संभालते हुए नजर आने वाली हैं। प्रदेश में महिलाओं की भागीदारी 2022 के विधानसभा चुनाव में सबसे अहम रही। भाजपा को सत्ता में बिठाने के लिए प्रदेश की महिलाओं ने अपनी भूमिका को बखूबी निभाया है। महिलाओं की अहमियत से वाकिफ भाजपा ने अब प्रदेश में महिला कार्ड खेल डाला। शपथ ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां हर की पैड़ी पर गंगा आरती में शामिल हुए और मां गंगा का आशीर्वाद लिया। इस दौरान बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा कि उन्होंने राज्य की जनता की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की है। महंगाई, जिससे हर कोई परेशान है। अर्थव्यवस्था में मंदी और बढ़ती बेरोजगारी के बीच आए दिन खाद्य सामग्री के साथ पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों में भी इजाफा होता जा रहा है। रसोई गैस के बढ़ते दामों के साथ अब प्रदेश में आम जनता की जेब पर बिजली का बिल भी भारी पड़ेगा। यानी कि ये समझ लिया जाए कि आम इंसान को अब महंगाई के बोझ तले अपनी जरूरतों को कहीं ना कहीं कमी करने की जरूरत पड़ेगी। देखिए खास रिपोर्ट। देश में महंगाई दम तोड़ रही है। आए दिन पेट्रोल और डीजल के साथ रसोई गैस के दामों में हो रही बढ़ोतरी ने आम इंसान को परेशान किया हुआ है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था मंद है। अर्थव्यवस्था मंद होने की वजह से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिन पर दिन बढ़ रही महंगाई आम इंसान की जेब पर भारी पड़ रही है। पिछले 2 सालों में जहां कोविड महामारी ने आम इंसान की परेशानियों में इजाफा किया, वहीं इन 2 सालों में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपने रोजगार से हाथ भी धोना पड़ा।
इस वजह से आम इंसान के रोजगार के साधन भी खत्म हो गए। दो साल के काले काल में कटे वक्त के बाद जब अर्थव्यवस्था संभल रही थी तो महंगाई ने आम इंसान की कमर को तोड़ दिया। रोज की जरूरतों में हो रही वृद्धि आम इंसान को ये सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि वे अपनी किस जरूरत को पूरा करे, लेकिन आम जनता की कई जरूरतें ऐसी है जिसे वे कम नहीं कर सकता, जिसमें से एक घरेलू रसोई गैस। मंगलवार को रसोई गैस में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई, जिससे अब सिलेंडर की कीमत 949.50 हो गई है। इस बढ़ोतरी से महिलाएं काफी परेशान हैं, क्योंकि ये वो जरूरत है जिसे पूरा करने के लिए उन्हें अपनी जरूरतों को कम करना पड़ रहा है। एक और जहां महिलाएं रसोई गैस की कीमतों से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल ने महंगाई को बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दिया हुआ है। मंगलवार को इजाफा होने के बाद बुधवार को भी पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई। सरकारी तेल कंपनियों ने प्रति लीटर 80 पैसे की पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की। पेट्रोल की कीमत 97.01 प्रति लीटर और डीजल की कीमत 88.27 रुपए प्रति लीटर हो गई है, और ये दाम कब तक रहते हैं ये भी कोई नहीं जानता। उधर पेट्रोल और डीजल के दामों के साथ सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। यही नहीं, राज्य में बिजली के दामों में भी इजाफा हुआ है। 1 अप्रैल से प्रदेश में बढ़े हुए बिजली के दाम लागू हो जाएंगे। अब इंसान ये सोचने को मजबूर है कि वो खाए क्या और अपने आड़े वक्त के लिए बचाए क्या। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। शपथ ग्रहण के बाद एक्शन मोड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आज होगी कैबिनेट की पहली बैठक, कई बड़े और अहम फैसलों पर होगी चर्चा। नई सरकार का गठन होते ही छलकने लगी विधायकों की नाराजगी, कैबिनेट में जगह न मिलने से नाराज हुए बिशन सिंह चौहान। सीएम धामी के सामने चुनौतियों का अंबार, 6 महीने में जीतना होगा विधायकी का चुनाव, कई वादे करने होंगे पूरे, नेताओं के साथ बनाना होगा संतुलन। श्री झंडे जी आरोहण के बाद देहरादून में हुई नगर परिक्रमा, शहर भर में दिखा आस्था का सैलाब, संगतों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा, नशा मुक्त समाज का दिया संदेश।